कुकड़ी नदी के किनारे स्थित ओझर के श्री विघ्नेश्वर। पुणे से कुल 85 किलोमीटर की दूरी पर ओझर गांव बसा हुआ है। भक्तानुग्राहे गजमुखो विघ्नेश्वरो ब्रह्मपं नानामूर्ति धरोपि नेजमिमा खांदा सदात्मा प्रभु स्वेच्छा विघ्नहर सद सुख कर सीधा कल्लो स्वयं पुं क्षेत्रे चोजर के नमोस्तु सतत तमसे पर ब्रह्म ने श्री विघ्नेश्वर की मूर्ति पूर्वाभिमुख बाएं सूंड के पूर्ण कृति और आसनस्थ है। मूर्ति की आंखों में माणिक, माथे पे हीरा और नाभि में रत्न है। मंदिर की दर्शनी भाग पर दो ऋषि खोदे हुए हैं। प्रवेश द्वार पर जय विजय नामक दो द्वारपाल हैं। मंदिर के प्रांगण में दो बड़ी दीपमालाएं हैं। उत्सव के दिनों में ये दोनों दीपमालाएं प्रज्वलित की जाती हैं। मंदिर में अष्ट विनायकों के आठों विनायकों की तस्वीरें हैं। इसके आगे संगमरमर का एक मूषक जिसको देखकर ऐसा लगता है मानो भागने की तैयारी में है। मंदिर के गुंबज पर सुंदर नक्काशी की गई है। शिखर और गुंबज सोने का है। प्राचीन युग में हेमवती नगरी में अभिनंदन राजा राज करता था। उसे इंद्र पद चाहिए था, इसलिए उसने यज्ञ शुरू किया। ये पता चलते ही इंद्र ने काल पुरुष को यज्ञ का विनाश करने के लिए भेज दिया। तभी से काल पुरुष का नाम विघ्नासुर हुआ। विघ्नासुर ने यज्ञ का विनाश करना शुरू कर दिया। तभी देवताओं ने गजानन जी की आराधना की। गजानन जी ने विघ्नासुर का विनाश करने का वचन दिया। गजानन ने पार्श्व पुत्र और दीप वत्सला के घर जन्म लिया। गजानन जी और विघ्नासुर के बीच घमासान युद्ध हुआ। विघ्नासुर ने आत्मसमर्पण किया और अभय मांगा। गजानन जी ने अभय तो दिया मगर एक शर्त रखी। हे विघ्नासुर, जिस जगह मेरा भजन कीर्तन और पूजन चल रहा हो वहां कभी नहीं जाओगे। ये शर्त मानकर विघ्नासुर ने गजानन से एक वरदान मांगा। भगवान, आपके नाम से पहले मेरा नाम लिया जाए, इसलिए आप विघ्नहर या विघ्नेश्वर नाम धारण कीजिए। गजानन जी ने वरदान दिया, विघ्नेश्वर नाम से जो भी मेरा जाप करेंगे उन्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक चेतना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। बुद्ध धर्म के अनुयायी प्रार्थना के साथ साधना को आवश्यक मानते हैं। महात्मा बुद्ध का मानना था कि मनुष्य में साधना के बल पर मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है, इसलिए यहां आकर बौद्ध भक्त आध्यात्मिक साधना किया करते हैं। विघ्नेश्वर दैत्य को मारने के कारण ही इसका नाम विघ्नेश्वर विनायक हुआ। कहते हैं बाजीराव पेशवाजी के छोटे भाई चिमाजी अप्पा ने पुर्तगालियों को हराकर वसई जीत लेने के बाद
इस मंदिर का नूतनीकरण करवाया और सोने का गुंबज बनवाया। ये मंदिर सन 1785 में बनवाया गया था। मंदिर की पुनः स्थापना सन 1967 में महान गणेश भक्त स्वानंद वासी अप्पा शास्त्री जोशी जी ने सभी गणेश भक्तों की मदद से की। माना जाता है कि भगवान गणेश भक्तों के समस्त विघ्नों को हर लेते हैं। नए बदलावों से ये मंदिर अब और भी आकर्षक बन गया है। माना जाता है अगर कोई भक्त सच्चे मन से विघ्नेश्वर जी की पूजा प्रार्थना करता है तो विघ्नेश्वर जी उनकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। प्रातः काल सुबह 6 बजे गजानन की आरती होती है। गजानन जी की आरती नगाड़े और ताल के साथ की जाती है। ये आरती दिन में 3 बार होती है। पहली आरती सुबह 8 बजे, दूसरी आरती दोपहर में 11:30 बजे और तीसरी आरती रात में 8 बजे होती है। मंदिर के द्वार सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं। रात्रि 10 बजे द्वार बंद करके गणेश जी को शयन कराया जाता है। भाद्रपद चतुर्थी तुझा उत्सव मांडिला। मगाहून माता गौरी माहेर आली, मगाहून माता गौरी माहेर आली, प्रेम भावे वंदन करी बाण मंडली। तिसरे दिवशी माते चाहो ओवसा केला, तिसरे दिवशी माते चाहो ओवसा केला, नर नारी मिळुनी प्रेमानंद गाजिवला। वर्षो वर्षी लागो तुझ्या नामाचा छंद, वर्षो वर्षी लागो तुझ्या नामाचा छंद, सुखी ठेवा बापा आमचा तोडी भाव बंध। भाद्रपद चतुर्थी तुझा उत्सव मांडिला। कुकड़ी नदी के किनारे स्थित ओझर के श्री विघ्नेश्वर पुणे से कुल 85 किलोमीटर की दूरी पर ओझर गांव बसा हुआ है। कुकड़ेश्वर से निकली हुई कुकड़ी नदी महाभाग्यवान है। कुकड़ेश्वर से 15 किलोमीटर दूरी पर उसी के तट पर ओझर के विघ्नेश्वर का मंदिर है।
इसलिए विघ्नेश्वर मंदिर को नदी के पानी का स्पर्श होता है। अष्टविनायकों में सोने के शिखर वाला ये एकमात्र सुंदर स्थान है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों के सारे विघ्न गणेश जी हर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। इसलिए उनको विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है।